नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिंसी और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। हर मसीह ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने और भाईचारा एवं एकता का संदेश दिया है। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता तो देते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। यह बात सेंट पीटर्स के स्कूल में आयोजित सर्वधर्म सभा में धर्म गुरुओं ने कही। हर मसीह ने, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, उन सभी ने मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने और भाईचारे के साथ एकता का संदेश दिया है। हमें इन सभी मसीहों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मंच पर एक साथ धर्म गुरुओं का एकत्रित होना भी जनता के बीच एकता और भाईचारे का संदेश पहुंचाता है। यह बात स्कूल के प्रिंसिपल जोसेफ चकालकाल ने शनिवार को सेंट पीटर स्कूल में आयोजित सर्वधर्म सभा में कही। वहीं पर इसी क्रम में स्टेकनपुर गुरुद्वारा के ज्ञानी रजविंदर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण बीमारी सचेत करने के लिए आई है, प्रकृति को दूषित करने के साथ गंदगी फैलाई, जिसका प्रमाण है प्राकृतिक आपदा में देखने को मिलता है। धरती पर जब भी अत्याचार दुराचार बढ़ा है, तब ऐसे मसीहों का जन्म होता है। हिंदू धर्म गुरु नरेंद्र दुबे शास्त्री ने कहा कि सामाजिक बुराइयों का अंत होना चाहिए। हम सभी धर्म से जुड़े हैं। इन सभी मसीहों ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। भारतीय धर्म प्रिय ने कहा कि किसी भी धर्म के मसीह है, उन सभी ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। टेकनपुर चर्च के लदुर्द नादन ने कहा कि हम सभी को उन मसीहों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन फादर आकाश और प्रभा खजूर ने किया। ज्ञानी जी, आज आप यहाँ मंच पर आए, कैसा लगा? आप क्या संदेश देंगे जनता के लिए? सर, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। जो प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यक्रम को रखा है, धर्म एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। धर्म के विचारों से हमारे जीवन को कैसे पवित्र किया जा सकता है, ये धर्म हमें सिखाता है। हमने अपने जीवन को जीने में जो हमारा वैचारिक मलिनता है, उसको दूर करने के लिए एक सत्संग या फिर आपसी आदान प्रदान का एक अच्छा मंच हमें मिले और एक संस्कारों का ट्रांसफर होता रहे, संस्कारों का आदान प्रदान होता रहे, ये अच्छा प्रयास है। ठीक, सर जो आज धर्मगुरुओं का सम्मान रखा गया, सर एक उस उपलक्ष्य में क्या उद्देश्य रखा गया था? उद्देश्य से रखा गया कि हम लोग एक साथ हम एक बने रहे और समाज में एक दूसरों के लिए का आदर्श दे सके। और हम धर्मगुरु एक साथ रहने से क्या, हम लोग अनुयायी भी एक साथ रहने के लिए प्रयास करेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल एकता का भाईचारे का माहौल प्रदान कर सकते हैं। किस उपस्थिति में, किस मतलब कार्यक्रम के अवसर पर? अभी क्रिसमस के अवसर पर हमें एक साथ आने का। सर, ये चारों गुरुओं का मंच पे एक साथ आना जनता के लिए क्या संदेश रहा? सर, जनता के लिए संदेश देते हैं कि हम धर्म गुरु एक साथ है, हम जनता को भी एकता बनाए रखने का संदेश देते हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब भाई भाई हैं। ठीक, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।